तीसरी बार मंत्री बने मध्य प्रदेश के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री ऐदल सिंह कंसाना ने मुरैना पहुंचकर लोगों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुरैना में रोजगार के लिए हो रहे पलायन को रोकना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मुरैना जिले में नई औद्योगिक इकाइयों को स्थापना करने का वे प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा शिक्षा और स्वास्थ्य में कमियों को पूर्ण करने का प्रयास किया जाएगा। किसानों व कृषि के उत्थान के लिए नवाचार करते रहेंगे। मुरैना जिले की सौंली विधानसभा क्षेत्र से वे विधायक निर्वाचित हुए हैं। ऐदल सिंह कंसाना मध्य प्रदेश में कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में पहली बार वर्ष 2002 में मंत्री बने थे। कांग्रेस सरकार में वे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के राज्य मंत्री का दायित्व था। भाजपा की शिवराज सरकार ने वर्ष 2020 में दूसरी बार मंत्री बनाया, तब वे पीएचई मंत्री बने। अब तीसरी बार भाजपा की डॉक्टर मोहन यादव सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। देर शाम मुरैना आगमन पर भाजपा सहित प्रशासन ने उनका स्वागत किया। 2 दिवसीय प्रवास पर वे अपने गृह जिला मुरैना में हैं। देखिए हमारे संवाददाता की उनसे बातचीत। मध्य प्रदेश की सरकार में मुरैना का तीसरी बार प्रतिनिधित्व करने पर आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। क्या योजना है एक बार फिर मुरैना के विकास के लिए? जनता की सेवा प्राथमिकता। प्राथमिकता नौजवानों को रोजगार दिलाना। अपने सुमावली विधानसभा क्षेत्र में मुरैना जिले में नई इंडस्ट्री लगवाना, इससे हमारे नौजवान जो बाहर रोजगार के लिए जाते हैं उनको यही रोजगार दिलाएंगे, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या? शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले ही हमारी सरकार मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो चुकी है और स्वास्थ्य के बारे में तो आपको मालूम ही है और शिक्षा के बारे में यहाँ कोई कमी नहीं है। फिर भी यहाँ कोई कमी दिखेगी उसको हम पूरा करेंगे। मुरैना में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सामान्य वर्ग के लिए और इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत आवश्यकता है, कई वर्षों से ये मांग है। थोड़ा तसल्ली करो, वेट एंड वॉच। आप चूंकि कृषि से हैं और कृषि कहाँ है कृषि के अभी कोई नहीं, मैं मंत्रालय की बात नहीं कर रहा हूँ। आपका जो व्यवसाय है वो कृषि? जी जी, मेरा व्यवसाय कृषि है। तो किसानों के लिए जो सरकार कर रही है उसके अलावा आप चंबल में क्या करना चाहते हैं जिससे चंबल के किसानों की दशा और दिशा में परिवर्तन हो जाए? देखिए अभी आज ही अभी हमें विभाग भी नहीं मिला है, अभी जुम्मे जुम्मे 4 दिन हुए हैं, वक्त आने दो, आप चिंता न करो। कृषि के क्षेत्र में हमारी सरकार ने पहले भी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में किया है, देश के हमारे कृषि मंत्री थे और आगे भी जो भी हमारा कृषि मंत्री होगा आप उसके साथ बैठ के हम योजना बनाएंगे और कृषि के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा किसानों के हित में हो सकेगा वो हम करेंगे।